मुझे मोहब्बत के नाम से नफरत है। दुनिया का झूठा तरीन लफ्ज मोहब्बत है। कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता है। मैं करती हूँ मोहब्बत। झूठ। तुम्हें अरसम से शादी का मौका मिला, तुम मान गई। नूर को अरसम से शादी का मौका मिला, उसने उससे शादी कर ली। कहाँ गई मोहब्बत? खाना बन गया क्या? जी खाना भी तैयार हो गया, मेहमान भी आ गए। मेहमान? कौन से मेहमान? अम्मी और माँ भाई हैं। आंटी और माँ भाई हैं? जुनेद नहीं आया? जुनेद क्यों आएगा? उसकी भी साली का घर है, आ सकता है वो कभी भी। तो वो आए, किसने मना किया उसे? पता नहीं वो अवॉइड क्यों करते हैं हमारे घर आना। खैर मैं जाकर आंटी से मिल के आता हूँ। बेटा कैसी हो? अबू मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अरे बेटा मैं क्या सुनाऊं, मैं तो यहाँ घर में अकेला बैठा हूँ, अखबार पढ़ रहा था। तुम्हारी माँ और इमाम तो तुम्हारे घर गई हैं? जी जी वो पहुँच गए हैं, आप नहीं आए? अरे बेटी मैं क्यों आता, और मैं इस अतिया की खुशी में क्यों शरीक होता जो मेरी बेटी नूर को हमेशा तंग करती रहती है। बिल्कुल ठीक किया आपने, अतिया खाला तो यहाँ ड्रामे करके खुद महारानी बन बैठी है और मुझे नौकरानी समझ रखा है। क्यों? बड़ी मक्कार औरत है आपकी साली साहिबा। अब्बू मैडम फारूकी को ऐसे मुट्ठी में किया है कि अब मैडम फारूकी मुझसे कहती है कि मैं अतिया खाला की खिदमतें करूँ। अरे बेटा कोई जरूरत नहीं है उसके नाज नखरे उठाने की, समझ गई? बस क्या करूँ अब्बू, आज ही मैंने पूरा दिन किचन में गुजारा। कभी बड़ी बहू के लिए जूस लाओ, कभी यखनी, कभी मीठा, कभी खट्टा, मेरी तो जिंदगी अजाब बना दिया उसने। मैडम मैं बात करता हूँ मैडम फारूकी से। अरे नहीं नहीं अबू मत बोलिएगा, पता है उसने फिर ऐसे ही कहना है कि मैंने उसकी शिकायतें लगाई। बस कुछ और दिन का खेल है, फिर साली साहिबा के ड्रामे का ड्रॉप सीन आ जाएगा। क्या मतलब बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। बड़ी बहू यानी अतिया खाला उम्मीद से नहीं है। क्या? अबू बस प्लीज अम्मी को मत बताइएगा ये बात। असल में अतिया खाला की ना औलाद पैदा करने की उम्र निकल गई है, सब ड्रामे हैं उनके। अच्छा यकीन करें अबू, मैंने अतिया खाला को लेडी डॉक्टर से बातें करते हुए खुद सुना। वो अपने शौहर और सास को इतना बड़ा धोखा दे रही है। और नहीं तो क्या। लेकिन अबू पता है मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं मुझ पर कोई इल्जाम ना आ जाए। और इल्जाम? कौन सा इल्जाम? अभी कुछ नहीं कह सकती अबू, अभी भी मैडम फारूकी मुझे इतना कहती है कि अतिया कमरे में जाओ, उस खाना पीना करो, ख्याल रखो, लेकिन मैं उसे कमरे के करीब भी नहीं जाती, उसे खाने पीने को हाथ नहीं लगाती। बहुत अच्छा करती हो बेटा, मुझे कुछ कुछ तुम्हारे खौफ की वजह समझ आ रही है। अबू अम्मी को भी समझा दीजिएगा, आज शायद मुझे उनसे बात करने का मौका ना मिले। ठीक है बेटा ठीक है, वैसे तुम अतिया से दूर रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हारी माँ को मैं समझा दूंगा अगर उसने कुछ कहा। जी ठीक है अबू, थैंक यू। चले अबू मुझे खाने के लिए बुलाया जा रहा है, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, बस अपना ख्याल रखना। हिमाब बताओ तो सही, हुआ क्या है? कुछ नहीं, ऐसी बस गुजरा हुआ जमाना याद आ गया। हाल जब दुख दे तभी माजी याद आता है, ऐसे ही गुजरा हुआ जमाना याद नहीं आता। बताओ मुझे क्या दुख है तुम्हें? कुछ नहीं आती है खाता।
मैं नहीं चाहती आपकी खुशियों पे मेरे गम का साया भी पड़े। कहीं जुनैद का रवैया तुम्हारे साथ बुरा तो नहीं है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। तो फिर तुम्हारे रोने की वजह? हर इंसान की जिंदगी में एक आधा कंधा ऐसा होता है जिसे मिलके उसका जी भर के रोने को दिल चाहता है ताकि दिल हल्का हो जाए। इमाम, मुझे बातों में मत उलझाओ। मुझे बताओ तुम्हारे दिल पर क्या बोझ है, क्या हुआ है? मैंने कभी आपसे कुछ छुपाया? हमारे गम और खुशियां सांझी। हाँ, लेकिन अब तुम मुझसे छुपाने लगी हो। इसी कोई बात नहीं है इमाबिका, चलो चले, देर हो रही है। जी अम्मी। अतिया, तुम अपना ख्याल रखना। चलो मैं तुम्हें को छोड़कर आती हूँ। नहीं बेटा, तुम आराम करो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम का कहा है ना। ओके अतिया काला, आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखना। हम अल्लाह हाफिज़। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो जुनैद। औरत बड़ा मान लेकर आती है, अपना घर, माँ बाप, बचपन से लेकर जवानी तक की तमाम यादें छोड़कर दूसरे घर में आना कोई आसान काम नहीं होता बेटा। जी अम्मी। बड़ा हौसला होता है बेटी के माँ बाप का, वो अपने जिगर का टुकड़ा काट के दे देते हैं। से तवक्कात वापस ना होती है उनकी अपनी बेटी ब्याहते वक्त। अंधा एतमाद करते हैं लड़के पर भी और लड़के के घर वालों पर। कोशिश करनी चाहिए कि उनका एतमाद और भरोसा किसी कीमत पर न टूटे। ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है कि तुम्हारा रवैया इमाम के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। उसने कुछ शिकायत की आपसे मेरे रवैये के बारे में? बेटा, यही तो मसला है कि वो कुछ कहती नहीं, ना कोई शिकवा, ना शिकायत, ना गिला। कोई शिकायत होगी तो बताएगी ना आपको। तुम्हारे मामू मुमानी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, ये बात याद रखना। क्या एहसान किया उन्होंने हम पर? क्यों, तुम भूल गए क्या? पहले तुमने इमाम को ठुकराकर नूर से मंगनी की, वो मंगनी टूट गई। फिर मेरे कहने पर भाई साहब ने इमाम का रिश्ता दोबारा हमें दे दिया। ऐसा कौन करता है बेटा? अम्मी, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया हम पर। कोई मजबूरियां खरीदता है और कोई बेचता है, और उन्होंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। जब तुम्हारी बेटी होगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि अपनी बेटी किसी को देना कोई आसान बात नहीं होती। बेटी वालों ने कहीं ना कहीं अपनी बेटी बेहानी होती है, ये उनकी मजबूरी होती है। एक बात याद रखो जुनैद, अगर तुमने इमाम के साथ धोखा किया ना, तो तुम मेरे साथ धोखा करोगे। मैंने उसके साथ कोई धोखा नहीं किया। खामखा उसको हमदर्दी समेटने की आदत हो गई, हर किसी के गले लगकर रोने लग जाती है। बैठिए ना भाई साहब। आपने तो बिलावजह तकलीफ की। जुनैद ऑफिस से वापसी में से लेता था। अरे तकलीफ कैसी सफिया, मैंने कहा मैं छोड़ आता हूँ, इस बारे तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बना। अरे नहीं सर, तुम चाय नहीं बना। बेटा इमाम, तुम जाकर चाय बना। जाओ। हाँ सफिया, कैसा चल रहा है सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, सब ठीक ठाक है। क्यों भाई साहब, इमाम ने कोई शिकायत की है क्या? अच्छा, इमाम को कोई शिकायत है? उसने मुझे तो नहीं बताया। हाँ, जब कुछ है ही नहीं तो क्या बताएगी आपको। तो क्या मुझे महसूस होता है कि इमाम यहाँ खुश नहीं है। क्यों भाई साहब,
अब हो सकता है आपको वहम हुआ हो, फिर भी अगर आप तसल्ली करना चाहते हैं तो इमाम से पूछ लीजिएगा। नहीं, इमाम के बजाय जुनेद से पूछना पड़ेगा। कल शाम भी तो मैंने तुम्हें फोन पे यही कहा था, जुनेद मुझे बहुत उखड़ा उखड़ा सा लगा। वो असल में भाई साहब ये हुआ था कि जुनेद ने मुझे और इमाम को बताए बगैर ना अपने दोस्तों को डिनर पे बुला लिया था, इसी वजह से वो बहुत बौखलाया हुआ था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। ऐसी बातें कर रही हो सफिया, शादी का डिनर था और जुनेद को देखो, वो तो ऐसा खोया खोया सा लग रहा था, बुझा बुझा सा। क्यों? अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, दोनों रात को भी हंसते हुए घर से बाहर गए थे। भाई हंसती मुस्कुराती तो इमाम भी नजर आती है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे मुझे एक कर्ज सा महसूस हुआ। वो भाई साहब जीती रहो। खुश रहो सदा। इमाम, अगर तुम्हें जुनेद से कोई शिकायत है तो मुझे बताओ ना, भाई साहब को क्यों परेशान कर रही हो? मैंने अब्बू से ऐसा कुछ नहीं कहा। सारी जिंदगी मुझे यही शिकायत रही है तुमसे कि मुझसे भी तुम अपना दुख नहीं बांटते, और उसको देखो नूर को, जरा सी भी कोई बात होती है फौरन मुझे फोन कर देती है। लेकिन अब्बू, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, मेरी बुब्बो मेरे साथ है, मैं खुश हूँ। सदा खुश रहो भाई साहब, अब आपकी तसल्ली होगी। अल्लाह इसको सलामत रखे, इस घर को हमेशा आबाद रखे। आमीन आमीन। चाय तो पीजिए। अरसम ऑफिस चले गए? जी चले गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ थिया, कोई काम था तो कनीज से कह देती। मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो। क्या मैं भी आपके साथ स्कूल जा सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो मुझे इमाम से मिलना था, कल कह रही थी कि मैं आ जाऊं। तो ठीक है, अगर वो स्कूल आ गई तो मैं उसे घर भेज दूंगी। वैसे तुम्हारा उससे मिलना क्यों जरूरी? कल वो मुझे काफी परेशान लग रही थी। इमाम हो या कोई और, तुमने किसी की टेंशन नहीं ली, समझ आई? तुम तो सिर्फ आराम कर। और वैसे भी इमाम की अभी अभी शादी हुई है, और लड़कियों को कुछ टाइम लगता है एडजस्ट करने में, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी हवाले से परेशान है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम नूर, तुम कहाँ गई हुई थी? मैं बस अरसम को ऑफिस ड्रॉप करने गई थी, आप कहें तो आपको भी स्कूल पे ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू, मुझे ड्राइवर ड्रॉप कर देगा, तुम बस मेरे आने तक घर में रहना। जी। मैंने कनीज से कह दिया है कि अतिया के लिए जूस और यखनी वगैरह सब बना ले, तुम मेक श्योर करना कि वक्त पे सब चीजें ले लो। आप फिक्र ही ना करें। थैंक यू। ठीक है, मैंने यहाँ भी इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, और तुमने ना अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है, वक्त पे लंच लेना है। ठीक है। और किचन में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, प्लीज। ओके। क्या कर रही हो? जी, बड़ी बहू के लिए यखनी लेकर जा रही थी। जाहिर सी बात है, उसके लिए तो पूरा दिन खिदमत करनी पड़ेगी ना। आपको कुछ चाहिए? जूस। अभी अभी फ्रेश बना के रखा है, दे दूं आपको? नहीं, तुम जाओ, मैंने कहा ली। जी।
क्या हुआ? जी बड़ी बहू कह रही है अभी यखनी पीने का मूड नहीं है, जूस लो। हाय रे तुम्हारी बड़ी बहू के नखरे। मैंने जूस अपने लिए निकाला था लेकिन क्या कह सकते हैं, दे दो उसे। जी आपको क्या प्रॉब्लम था? वो मेरे गले लगकर इस तरह क्यों रोई? बाद में फोन करने का भी कहा, वो भी नहीं किया। पता नहीं वो किन मसाइल का शिकार है, पूछूं तो सही? नाश्ता लगा दिया आपके लिए। किसकी कॉल थी सुन लो? वो अतिया खाला की कॉल थी, बाद में कॉल बैक कर लूंगी। क्यों मेरे सामने मेरी बुराइयां नहीं करोगे? कौन सी बुराइयां? जो रात भर मैके में करती रही। कैसी बातें कह रहे हैं आप, मैंने आपकी कोई बुराई नहीं की, और बुराई की नहीं जाती, खुद ब खुद नजर आ जाती है। देखो इमाम, ना मुझे झूठ पसंद है और ना ये तुम्हारी शायराना बात है। तो आप बता दें आपको कौन सी बातें पसंद है, हम वही कर लेते हैं। तुम्हारे अबू यहाँ आकर 1000 शिकायतें करके गए हैं अम्मी से। क्या कहती रही उन्हें, क्या जुल्म हो रहा तुम्हारे साथ यहाँ, बोलो क्या करूं तुम्हारे लिए? मेरी कोई डिमांड नहीं है और ना ही मोहब्बत सिला मांगती है। मोहब्बत मोहब्बत शिकवे शिकायतें भी नहीं करती, चुपचाप दूसरे की मर्जी में ढल जाती है। ढल तो गई हूँ। तो फिर नूर के घर क्यों गई थी? अम्मी ने मजबूर किया था। अम्मी ने मजबूर किया था। मोहब्बत से बड़ी कोई मजबूरी नहीं होती माँ। जूस पी लिया तुमने? हाँ क्यों? यखनी क्यों नहीं पी? दिल नहीं कर रहा था।
लेकिन तुम आज इस कदर खैर ख्वाह क्यों बन रही हो? क्योंकि तुम्हारी अम्मी यानी के सास साहिबा ने मेरी जिंदगी अजाब बनाई है। अजाब? क्यों, क्या किया उन्होंने? यही कि हर आधे घंटे बाद तुम्हारी तबीयत कैसी है पूछी जाए। तो अब बता दो कैसी है तुम्हारी तबीयत ताकि मैं जाऊं। बस ठीक है, जूस पीने के बाद थोड़ा हैवी फील कर रही हूँ, और तो कुछ नहीं है। मेरा जूस पियोगी तो हजम थोड़ी होगी। क्या मतलब? मतलब ये जठानी साहिबा कि वो जूस मैंने अपने लिए बनाया था, कनीज ने लाके तुम्हें दे दिया। मेरे हक की जो चीज होती है वो किसी और को हजम नहीं होती। तुमने जूस में कुछ कुछ मिलाया तो नहीं है? शाम तक पता चल ही जाएगा तुम्हें। जल्दी बताओ क्या मिलाया तुमने? देखा, मुझे पता था कि एक दिन तुम इल्जाम लाजमी लगाओगी मुझे, इसीलिए मैं तुम्हारे कमरे में नहीं थी। मैं तुमसे जो बात पूछ रही हूँ उसका ही जवाब दो। अरे जठानी साहब, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैंने कुछ नहीं मिलाया, वो जूस मैंने अपने लिए बनाया था, फिर आपको दे दिया, बस इतनी सी बात है। और आप उल्टा मुझ पे शक कर रही हैं। नूर प्लीज मुझे बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। नहीं 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 नहीं, नहीं सबको बताओ, फिर मैं भी अम्मी और आंटी को बताऊंगी कि मैं तो सिर्फ अपनी जठानी का ख्याल रख रही थी और मुझे ये सलाह मिला। सच कहते हैं किसी कम ज़र्फ पर एहसान नहीं करना चाहिए। देखो नूर, इतनी सारी बातें करके तुम अपने आप को और भी मशकूक बना रही हो। अगर यही बात है तो फिर यकीन कर लो, मैंने तुम्हारे जूस में ऐसी दवाई मिलाई है कि तुम्हारा ये बच्चा नहीं पैदा होगा, तुम माँ नहीं बनोगे। अब जाओ, जिसे बताना है जाके बताओ। अगर यही बात है तो फिर यकीन कर, मैंने तुम्हारे जूस में ऐसी दवाई मिलाई कि तुम्हारा ये बच्चा नहीं पैदा हो, तुम मां नहीं बनोगे। जाने नूर हर बात अतिया पर क्यों डाल देती। इमाब ने अगर गिफ्ट वापस किया है तो अतिया ने कराया, अगर मैडम फारूकी ने जहेज की ऑफर की तो अतिया के कहने पर की। और आप आंखें बंद करके नूर के बात पर क्यों यकीन कर लेते हैं? नूर मेरी बहुत लाडली बेटी है। हाँ तो मेरी लाडली नहीं है वो, क्या मैं उसकी कुछ नहीं लगती? मैं नूर की तकलीफ नहीं देख सकता, उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है इमाम के लिए। नूर किसी तकलीफ में नहीं है, वो अरसम के साथ बहुत खुश है। तुम्हारी बहन से नूर की कोई खुशी नहीं देखी जाती, वो उसको तकलीफ देने का कोई मौका जाने नहीं देती। अतिया ने नूर के सामने हाथ तक जोड़े कि उसे जीने दे वो। हाथ जोड़े? अरे वो नूर के हाथ तोड़ना चाहती है, वो चाहती है कि नूर किचन के कामों में लगे, सारी प्लानिंग है उसकी। प्लानिंग? कौन सी प्लानिंग? अरे यही बच्चे वाली, कि वो उम्मीद से। या अल्लाह, अशरफ तौबा है। देख लेना, तुम्हारी बहन का ये सारा ड्रामा जल्द एक्सपोज हो जाएगा। अशरफ प्लीज। क्या प्लीज? तुम्हारी बहन एक ना एक दिन नूर को उस घर से निकलवा कर रही, और फिर तुम कहोगी हाँ अशरफ तुम ठीक कह रहे थे। Thank you.
कनीस, कनीस, कोई है? कनीस, कनीस, कोई है? हेलो साहिब, क्या हुआ थिया? साहिब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज जल्दी से आ जाओ। क्यों, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? साहिब बस जल्दी आ जाओ, कुछ ठीक नहीं है, मैं अपनी को परेशान नहीं करना चाह रही। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं फौरन घर आ रहा हूँ। सॉरी अरशद, आज मैं आपका फोन नहीं उठा सकती। प्लीज इमाम, अपना रवैया बदलो। देखो जिंदगी सिर्फ उसी को खुशी देती है जो वक्त के साथ साथ अपने आप को ढाल लेता है। जरा इस पहलू से सोचो कि तुम उससे शादी करने जा रही हो जिसे तुम अपने आप से भी ज्यादा चाहती हो। एक जरा सी जिंदगी और दिल में है कई ख्वाब और ख्वाहिशें। मुझे बुला लिया होता। तुम्हें बुलाने ही तो आई हूँ। जी हिमा, इस कमरे के अलावा भी सारा घर तुम्हारा है, तुमने सिर्फ इस कमरे को अपना घर क्यों समझ रखा है? नहीं पप्पू, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जुनेद की तरफ से मायूस मत होना, इंशाल्लाह एक दिन वो जरूर ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है। इस यकीन को इतना पुख्ता कर लो कि एक दिन जुनेद को यकीन हो जाए कि मेरी पसंद उसकी पसंद से हजार दर्जे बेहतर है। जी पप्पू, मैं पूरी कोशिश करूंगी। हिमाब, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी सास या पप्पू नहीं, तुम्हारी माँ की जगह हूँ। तुम अपना हर दुख सुख मुझसे शेयर कर सकती हो। अच्छा मुझे बताओ, आज जुनेद का रवैया कैसा था? वो तुमसे उलझा तो नहीं? नहीं नहीं, बस पूछ रहे थे कि तुमने मेरी अम्मी से शिकायत लगाई है या अपने घर वालों से मेरी बुराइयां की। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा आप में कोई बुराई है ही नहीं तो मैं आपकी क्या बुराई करूंगी। तुम यकीन करो, मैं हर वक्त अल्लाह से दुआ करती हूँ कि उसे एहसास हो जाए कि वो जो कर रहा है बहुत बुरा कर रहा है। आप जुनेद से लड़ना छोड़ दें, वो रिएक्ट करना छोड़ देगा। मैं क्या करूं बेटा, मुझसे रहा नहीं जाता वो जब तुमसे लड़ता है या उलझता है। उसने तुम्हारी किताब फाड़ दी। यकीन करो मैंने बहुत मुश्किल से सबर किया, वरना मेरा दिल तो चाह रहा था कि बस। बेटा कमरे से बाहर निकलो, जिस बंद गली में जुनेद फंस गया है ना उसे भी बाहर निकाल। मैं पूरी कोशिश करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेटा। जी मैं सोच रही हूँ कि कल से दोबारा स्कूल ज्वाइन करना। मैं तुमसे मुलाजमत करवाना नहीं चाहती और ना ही घर के काम, फिर भी अगर तुम्हारी खुशी है तो मुझे कोई एतराज नहीं, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है तुम्हें। थैंक यू पप्पू, थैंक यू सो मच। अच्छा तुम जल्दी से आ जाओ, मैं चाय बनाती हूँ फिर साथ में पी।
नहीं मैं बनाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, चाय मैं बनाऊंगी और तुम्हारी पसंद के पकोड़े भी। बस तुम जल्दी से कमरे से बाहर आओ, ठीक है? क्या हो गया? अरसन ने तुम्हें कॉल की? नहीं। तुम्हें कुछ अंदाजा भी इस घर में क्या हो रहा है क्या नहीं? अरे बताएं हुआ क्या है? अत्या की तबीयत खराब हो गई है। अरे उनकी कंडीशन में बीवियां ऐसे नाज नखरे करती हैं, फिक्र मत कर। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? उठे बीबी जी, पानी पिए। उठे, हिम्मत करें, पानी पिए। क्या हुआ क्या? तुम ठीक तो? पूरा पेट भरा था, कुछ अजीब सा पेट। चलो उठो, हम हॉस्पिटल चलते हैं। चप्पल सीधी करो माजी की, ध्यान से ध्यान से देखकर चलो। चलो मैंने तुम्हारे जूस में ऐसी दवाई मिलाई है कि तुम्हारा ये बच्चा नहीं पैदा होगा, तुम माँ नहीं बनोगे। जाओ बेटा, आओ बैठो। कैसी है मेरी बच्ची? क्या बनाऊं आज, क्या खाऊंगी? नहीं नहीं कुछ नहीं। बेटा क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो? नहीं नहीं मैं बिल्कुल परेशान नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, अपनी जिंदगी जी रही। क्यों मेरे घर से कोई फोन आया क्या? नहीं, मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर लगा था। अकेली आई हो, असम नहीं आया साथ? असम ऑफिस गए हैं, हालांकि आपकी बहन ने रुकावटें डालने की बहुत कोशिश की थी। नूर, हर वक्त अतिया के खिलाफ जहर उगलना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। खैर अतिया की बात छोड़े, इमाम आपकी बात करो। क्यों, क्या हुआ इमाम को? इमाम मेरी तरफ आई थी, मुझे वो कुछ खुश नहीं लग रही थी। हाँ तुम्हारे अबू का भी यही ख्याल है, तुमने बात की? नहीं, वैसे अबू हैं कहाँ, मैं तो उनसे कोई और बात करने आई थी। अरे अभी लड़ झगड़ कर अपने कमरे में गए, खुदा के लिए अब अतिया के खिलाफ कोई शिकायत ना लगाना उन्हें। अरे अतिया के बारे में नहीं, मुझे जुनैद के बारे में बात करनी है। जुनैद के बारे में तुम उनसे क्या कहना चाहती? मुझे उसका रवैया इमाम की तरफ कुछ ठीक नहीं लगता। मगर इमाम ने जुनैद की कोई शिकायत नहीं की है, ना हमारे सामने ना सफिया बहन के सामने। यही इमाम की यही बात मुझे इतनी जहर लगती है, मैं खुद बात कर दूंगी उससे। आप अब्बू को बताएं कि मैं आ गई हूँ, प्लीज मेरे लिए एक कप चाय बना दो। प्लीज मैं आती हूँ, जरा उससे बात करके। I'm not afraid to die.